इट्स योर बॉय अजरोक्सिस हियर और एक और गेम प्ले वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो यार पीछे बैकग्राउंड में मतलब डीजे बज रहे हैं तो नॉइस आ रहा हो उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। और गाइस आज के इस वीडियो में हमारा जो लाइक है वो 100 का है, होप कि आप लोग करा दोगे। और गाइस यहाँ पर इस गेम प्ले में मुझसे हमारे ही यूआर क्लैन के एक मेंबर मिलते हैं जो कि यूआरएक्स अप्पू है। और यार ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर है और आज हमारी क्लैन से हमारे ही बंदे की फाइट होने वाली है। यूआर का मतलब होता है अर्बन रॉक्स। जी हाँ गाइस हमारी क्लैन है यूआर अर्बन रॉक्स वाली। और यहाँ पर देखो मैं उतर गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने गन उठाई और एक बंदा मुझे दिख गया था जिसे मैंने ईजिली नॉक कर दिया। अब बारी थी उस बंदे को यहाँ पर फिनिश करने की, तभी मैं नीचे उतरा उसे फिनिश करने और यहाँ पर मैंने उसे ईजिली फिनिश कर दिया। अब मुझे यहाँ से सीढ़ियों की तरफ से मुझे फुटस्टेप आ रहे थे, लेकिन यार मुझे वो फुटस्टेप बहुत ही गलत आ रहे थे। एक्चुअली मैं बंदा पीछे था। अब गाइस वो मुझे यहाँ पर दिख गया था क्योंकि उसने की थी जंप पैड का यूज़ और वो देखो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया। अब थोड़ी देर के लिए मेरी ओझल हो गया वो मेरी नज़रों से, क्योंकि तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फाइनली मुझे वो बंदा दिखा दिया और मेरे हाथ में थी स्नाइपर। अब मैंने यहाँ पर एनर्जी होल्ड की और उसे यहाँ पर ख़तरनाक डैमेज दिया। और फाइनली वो बंदा अंदर जा रहा था लेकिन मैंने उसे पीछे से अच्छे से डैमेज दिया और वो बंदा हो गया नॉक। यहाँ पर नॉक होते मैंने फिनिश किया क्योंकि भैया किल का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी चुरा सकता है। यहाँ पर मैंने उसे ईजिली भर दिया, लेकिन मुझे अंदेशा था कि यहाँ पर कोई ना कोई बंदा जरूर होगा, और भी बंदे जरूर होंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गई थी। तो गाइज आपने आज का जो पोस्टर देखा कम्युनिटी टैब में फाइनल फोर के पोस्ट हुआ है, क्या व्हीकल आई है और फ्लाइंग आइटम्स भी आए हैं, मैंने देखी थी वो सारी चीज़ें। और अब तो अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ सिस्टम है। अब देखो मैं यहाँ पर आया अंदर की साइड और यहाँ पर मैं टीपीपी लेने लगा क्योंकि मुझे फुट स्टेप आ गई थी सामने की तरफ से। अब देखो यहाँ पर मुझे वो बंदे दिखाई दिए, एक बंदा मैंने यहाँ पर नॉक कर दिया और एक बंदा वहाँ पर ही था। अब देखो यहाँ पर आया मुझे मारने के लिए, लेकिन तुम्हारे भाई ने उसे नॉक कर दिया। नॉक करते भैया हमने इसे ग्रेनेड से मारा, जो कि ये बहुत ही गंदी मौत होती है सही में। यहाँ पर इसे फिनिश करते हैं, मैंने इसका जो पिंक वाला जो वेस्ट है वो उठाया और देखो वो बंदा जो मैंने पहले शुरू में नॉक किया था वो बंदा देखो यहाँ पर शायद रिवाइव ले गया था। अब उसका ही टीममेट अंदर आ गया था, अब इसे कैसे मारते हैं बस तुम देखते जाओ। अरे भैया शॉटगन भैया बहुत ही ज़्यादा ओपी गन है, अगर मेरे पड़ जाती है एक दो तो भैया मैं तो खलास था वहाँ पर। लेकिन लकीली तुम्हारा भाई यहाँ पर बच जाता है और जो पहले नोक हुआ था बंदा जो कि एकदम सीधा खड़ा था वो ये बंदा था जो कि नोक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इन्हें फिनिश करने के बाद यहाँ पर अब कोई भी बंदा नहीं था, मतलब एकदम साइलेंट शांति सी हो गई थी। इसके बाद मैंने डिसाइड किया भैया आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पर तो अब रुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर से मैंने क्रेबी उठाई, क्रेबी उठाने के बाद मैं सड़क पे गया, सड़क पे मैंने उठाया शीरियू। और शीरियू उठाने के बाद मैं कॉर्निवली में एक बार चक्कर लगाता हूँ कि कोई बंदा है कि नहीं, और फाइनली मुझे एक बंदा यहाँ पर अपने स्कैनर में दिख गया था। और ये बंदा रियल था, लेकिन भाई क्या ही जिग जेग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जिग जेग काम नहीं करता अच्छे से, तो जिग जेग करने का यहाँ पर कोई फायदा वायदा नहीं है। तो भाई इस बंदे को यहाँ पर मारा और सीधा निकल गया मैं ब्रिज की ओर क्योंकि मुझे चेक करना था कि टिन बिन फ्लेक्स में कोई बंदा है कि नहीं, लेकिन मुझे एक बंदा यहाँ ब्रिज के पास ही दिख गया था। अब देखो वो बंदा मतलब जेट पैक का यूज करके भागने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन इन भैया को भी यहाँ पर इजीली मार दिया। इसे मारने के बाद मैं 10 मिनट प्लेक्स में गया और मुझे कोई भी नहीं लग रहा था 10 मिनट प्लेक्स में, तो मैंने यहाँ पर स्पीड रैम्प का यूज किया और दूसरी ओर निकल गया और मुझे एक रैम दिखाई दी। जैसे ही मैंने रैम को देखा तो मैंने उसका पीछा किया और फायर करने लगा और अच्छा खासा मैंने उसे डैमेज दिया। और मेरे भाई, मेरे को नहीं लग रहा था कि इसकी किस्मत इतनी ख़राब होगी, मेरी गाड़ी के नीचे आके मर गया यार। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इसे मारा तो मैं यहाँ से जाने लगा और तभी मुझ पर किसी ने फायर किया और एक शिरू यहाँ पर मेरे सामने दिखाई दिए। और देखो, ये वही बंदा था जो कि हमारी क्लैन में है, जो कि यूहार है। यूहार मतलब अर्बन रॉक्स। जी हाँ, हमारी क्लैन है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे प्लेयर्स हैं। मुझे बहुत ही मज़ा आता है इनके साथ खेलने में, कभी कभी खेलता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। अब देखो, यहाँ पर यूअर क्लैन के हमारे एप्पू नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर हमारे सामने एनिमी बन कर आए थे। अब देखो हमारी क्या ही फाइट होने वाली है, बस इंजॉय करो तुम। मतलब सीरियसली गाइस, इन्होंने बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन मैं शिरियू के अंदर था, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट था यहाँ पर उसे इजीली मारने का। तो यहाँ पर मैंने भाई अच्छा खासा डैमेज तो शिरियू से ही दे दिया था, बच्चा कुछ डैमेज मैंने अपनी गन्स दे दिया और वो बंदा इजीली मर गया। इसके बाद मैंने शिरियू उठाई, शिरियू उठाने के बाद मैंने और बंदों को सपोर्ट करने की कोशिश की। और मैं ऊपर आया, ऊपर आने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर तो गुंगीर वगैरह यहाँ पर जली हुई थी, तो मुझे लग रहा था कोई ना कोई बंदा ज़रूर है। और फाइनली जो मेरा शक था वो यकीन में बदल गया, एक बंदा मुझे यहाँ पर भागते हुए दिखाई दिया और इसे ईजिली यहाँ पर भर दिया। इसे भरने के बाद मैं सामने की तरफ जा रहा था क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी बंदा नहीं था, तो सीधा मैं निकला। तो गाइज, आप नए अपडेट के लिए एक्साइटेड हो? 23 को अपडेट आने वाला है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है, नई नई थोड़ी सी आ रही है, जेट पैक, न्यू व्हीकल, न्यू करेक्टर्स भी आ रहे हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सा लग रहा है ये न्यू वाला वर्जन और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली यहाँ पर मैंने एक व्हीकल देखी जिसका मैंने पीछा किया, मैंने यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज दिया उसे और वो बंदे ने सीधा अंदर घुसेड़ दी अपनी जो गाड़ी है। अब यहाँ पर देखो, मैं भी उसका पीछा करे जा रहा हूँ, अब उसे कैसे मारते हैं बस तुम देखते जाओ। और ये भाई को भी मैंने व्हीकल का फायदा उठाते हुए उड़ते उड़ते ही मार दिया। अब देखो यहाँ पर कोई बंदा ड्रॉप लूट रहा था जब भी, मेरे को पता चल गया था क्योंकि वो लाइन से बनी हुई आती है रेड रेड से। अब यहाँ पर मैं आया, अब देखो इसे कैसे मारते हैं। ये बंदा यहाँ पर ड्रॉप लूट लिया था और शील्ड वगैरह भी इसने अच्छी खासी उठा ली थी, लेकिन उसका हेड शॉट पड़ गया और एक बॉडी शॉट पड़ गया था जिससे कि वो ईजिली यहाँ पर मर गया। अब ये बंदा यहाँ पर नॉक तो नहीं हुआ था लेकिन डायरेक्ट मरा है, तो मैं ये जानता हूँ कि ये सोलो प्लेयर था। अब इसे यहाँ पर लूटा, जैसे मुझे पीछे की तरफ से हलचल आती हुई सुनाई दी और एक बंदा यहाँ पर जोन के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई ने उसे यहाँ पर लपेट लिया और वो बंदा हो गया नोक। तभी मैंने उसे यहाँ पर फिनिश भी कर दिया।
तो गाइस यहाँ पर आखिरी बंदे को मैंने बहुत जगह ढूंढा, बहुत सारा पोर्शन काटा है मैंने। वो बंदा मतलब कैंप कर रहा था और ऐसा वैसा कैंप नहीं, यहाँ पर देखो छुपा हुआ था एकदम, बिल्कुल भी हलचल नहीं थी यहाँ पर भी। मैंने स्कैनर गन का यूज़ किया, नहीं तो पता नहीं ये भाई मुझे कब मिलता। अब देखो वो बंदा क्या ही कैंप कर रहा है, मतलब स्कैन कर लिया मैंने फिर भी हिल रहा नहीं है वो। अब गाइस उसने यहाँ पर देखो स्मोक ग्रेनेड लगाया और वो उसे लगा कि मैं उसे नहीं मार पाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसे ही अंदाजा लगाया और उस भाई को इजीली मार दिया और इसी के साथ ही तुम्हारा भाई विक्ट्री हासिल कर लेता है। और तो इसी के साथ ही गाइस हमारा जो 100 लाइक का टारगेट है वो जरूर से पूरा कराना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।